types of bills of exchange. So in the last period I discussed with you on the basis of location and country we are having inland bill. हमारे सारे question inland bill के हुआ करेंगे भाई. And we have foreign bill, right? Inland bill में both your drawer and drawee they are belonging to the same country, they are resident of India, ठीक है, क्योंकि हम Indian context में कर रहे हैं. That bill can get matured at any other country, but even then that will be named as inland bill. What is the definition of foreign bill? A foreign bill is one which is drawn in one country and payable in another country. ठीक है, it means कि वहाँ पे drawer किसी एक country का होगा और drawee किसी दूसरी country का होगा. Foreign bills are drawn in a set of three and each part of the set is called a via, contains a reference to the other parts. फॉरन बिल्स की तीन कॉपीज ड्रॉ होती हैं इन अ सेट ऑफ थ्री. ईच पार्ट ऑफ द सेट कॉल्ड अ वाया कंटेन्स अ रेफरेंस टू द अदर पार्ट्स. दिस इज डन टू अवॉइड डिले और लॉस और मिसकैरेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट. इट मींस कि उस बिल को हम तीन हिस्सों में करके थ्री पार्ट्स में करके भेजते हैं ताकि अगर एक बिल गुम हो जाए तो हमारे पास उसका दूसरा पार्ट अवेलेबल हो. अगर दूसरा भी बाय चांस गुम हो जाता है, रास्ते में लॉस हो जाता है, तो हमारे पास तीसरा पार्ट अवेलेबल हो. ईच पार्ट इज सेंट सेपरेटली, एक ही पोस्ट में नहीं भेजेंगे. एंड एज सून एज एनी वन ऑफ द पार्ट इज पेड द अदर पार्ट्स बिकम इन ऑपरेटिव. ओके, तीन पार्ट्स में भेजा, बिल है ही 1 लाख का, है ना. तो अगर आपका पहला बिल ही सही सलामती से पहुंच गया तो बाकी दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? इन ऑपरेटिव. अगर पहला भी नहीं पहुंचा, दूसरा भी नहीं पहुंचा, देन ओनली द थर्ड पार्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. डन. अगर पहले बिल की पेमेंट हो गई है तो बाकी पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इनऑपरेटिव. फॉरेन बिल्स थ्योरी सिर्फ हमारे सिलेबस में है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा भाई. देन बिल बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स, नाम से ही पता चलता है. वी हैव नेक्स्ट ट्रेड बिल्स एंड ही इज कॉलिंग अकोमोडेशन बिल्स. Trade bills which are related with my trading transactions, like that bills comes into existence due to the exchange of goods and services or due to the purchase and sale of goods and services. So, हमारे syllabus में सारी बातें numericals में वो trade bills की करेगा. And the second is accommodation bill. जब एक friend किसी अपने friend की help करता है, उसे पैसे की जरूरत है तो वो उसे पैसा उधार पे देता है, प्लस उससे एक प्रॉमिस लिखवा लेता है कि इतने दिनों के बाद तू मेरी पेमेंट और ये मेरा पैसा वापस कर देगा. So whenever your relatives, your friends, they are in need of, but they are not of business nature transaction, that bills we call accommodation bills. देखो जरा इसका मीनिंग, जो मैंने बोला वही लिखा है. ट्रेड बिल्स का अपने बुक में से देखो. बिल्स ड्रॉन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने बोला सेल और परचेज में ही होगा. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहता ही क्या है हमारा? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज द बिल फॉर विच द वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड. ये वो बिल है जिसके बदले में आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया होता है, जिसके बदले में आपको रिटर्न में उसे पेमेंट देनी होती है. एकोमोडेशन बिल्स क्या के लिए होते हैं? फॉर योर म्यूचुअल बेनिफिट. दे आर नॉट रिसीव्ड इन लियू ऑफ एनी वैल्यू रिसीव. आपके फ्रेंड को पैसे की जरूरत है, आप उसे दे देते हैं, लेकिन बदले में आपने कोई वैल्यू रिसीव नहीं करी होती. आप एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करना चाहते हैं. इन हिज फाइनेंशियल क्राइसिस यू जस्ट ऑफर्ड हिज हेल्प, योर हेल्प टू हिम, राइट? सो दैट टाइप्स ऑफ बिल वी कॉल्ड एकोमोडेशन बिल्स. बाकी जो चार कैटेगरी थी हमने सुबह कर ली है. डिमांड बिल, टाइम बिल के आगे दो टाइप थी. वन इज व्हाट? बिल आफ्टर डेट एंड सेकंड वाज बिल आफ्टर साइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर ऑफ बिल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स? ये दोनों पॉइंट्स थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई. लेट्स रीड. वैसे सिंपली इंग्लिश में मीनिंग क्या? हु होल्ड्स द बिल, हु प्रेजेंट्स द बिल. एंड आमतौर पे ड्रॉअर खुद ही बिल को होल्ड करेगा और मैच्योरिटी पे वही अपने बिल को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा. लेट्स सी व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड एक्स्ट्रा इन दीज टू पैराग्राफ्स. होल्डर मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर फ्रॉम द पार्टीज देयर टू. सिंपल मीनिंग लिखा है. होल्डर सिंपली कौन होता है? जिसका नाम बिल के ऊपर लिखा है और जिसको पेमेंट रिसीव करने का राइट होता है. A holder must therefore have the possession. उसके पास maturity के time पे वो document हाथों में होना चाहिए, तभी उसे वो payment मिलेगी. A holder must therefore have the possession of the instrument and also has the right to recover the money in his own name. वो अपने नाम पे वो पैसा क्या करेगा? Receive करेगा. So a person who though in possession of instrument but has no right to recover the money due to their own is not a holder.
तो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपके पास बिल भी हो और आपके पास पैसा रिसीव करने का अधिकार भी हो। लाइक ड्रॉअर है, ड्रॉअर के पास बिल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पैसा रिसीव कर सकता है। बिल क्यों नहीं है? क्योंकि उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा, बिकॉज ही इज नॉट पोजेसिंग द बिल, ही हैज ट्रांसफर्ड हिज बिल टू समवन एल्स। सो टू होम ही हैज ट्रांसफर द बिल, उसके पास बिल भी है, उसके पास पैसा रिसीव करने का राइट भी है, दैट पर्सन इज नेम्ड एज होल्डर ऑफ बिल। फर्दर द डेफिनेशन ऑफ अ होल्डर क्लियरली एक्सक्लूड अ पर्सन हु मे बी रियली एंटाइटल्ड टू द मनी अंडर द इंस्ट्रूमेंट बट हूज नेम डज नॉट अपियर ऑन इट्स फेस। उस बंदे का नाम नहीं लिखा बिल में, लाइक जब बिल ड्रॉअर ने ड्रॉ किया तो उसने पेई का नाम ही नहीं लिखा, तो ड्रॉअर किसी और को पेमेंट नहीं दिलवा सकता क्योंकि उस बंदे का नाम ही नहीं लिखा। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है उसने, बिकॉज द प्ली ऑफ बेनामी हैज नो एप्लीकेशन टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इतना डिटेल में नहीं करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब तक पर्सन का नाम नहीं लिखा कि किसको बिल पे करना है, तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड और लीगल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा, राइट? देन होल्डर इन ड्यू कोर्स। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ होल्डर हु टेक्स द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड फॉर द वैल्यू बिफोर इट इज ओवर ड्यू एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ पर्सन हु ट्रांसफर टू हिम। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? जिसको बिल मिला है मैच्योरिटी से पहले, राइट? और जिसने उसे ट्रांसफर किया है उसके टाइटल में, मतलब बिल से रिलेटेड जो उसका राइट था उसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं था, कोई इलीगल ट्रांजेक्शन नहीं हुई, एवरीथिंग वॉज लीगल। इट मीन्स कि लीगली वो बिल उसको ट्रांसफर हुआ था और मैच्योरिटी से पहले उसके पास आ गया। तो बिगिनिंग में वो होल्डर नहीं था, लेकिन मैच्योरिटी से पहले अगर बिल उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। According to Section 9 of Instrumental Act, the holder in due course, in the case of a bearer, instrument means a person who for consideration becomes its possessor. Like A ने B के ऊपर bill draw किया, ठीक है, और time period bill का 3 months है. After 2 months, A ने अपना bill C को transfer कर दिया, तो C यहाँ पे payee भी बना, साथ में holder in due course भी बना, क्योंकि 2 महीने के बाद और maturity से 1 महीना पहले उसे बिल क्या हो गया है? ट्रांसफर हो गया है, एंड ही इज नाउ पोजेसिंग द बिल। ही इज एलिजिबल और ही हैज फुल राइट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई। द चीफ एडवांटेज ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज दैट ही इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ द टाइटल ऑफ पर्सन फ्रॉम हूम ही रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट, एंड एज सच ही कैन एनफोर्स द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट ऑल सच प्रायर पार्टीज। बस एडवांटेज यही है कि मतलब उसके ऊपर कोई भी इललीगैलिटी का केस नहीं होगा, क्योंकि उसको बिल किसी थर्ड पार्टी ने ट्रांसफर किया है तो उसके पास पेमेंट रिसीव करने का राइट है। अगर बिल या डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती या खामी है तो ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ओरिजिनल जो पर्सन था ट्रांसफरर, ही और शी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो द डे वन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू दैट इन दिस चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स बोथ बीआर एंड बीपी। सो बीआर वी विल बी कॉलिंग इट फॉर सेलर and BP we will be calling it for buyer. Buyer के लिए same document payable है और seller के लिए same document receivable है, तो seller के लिए ये document asset रहेगा, buyer के लिए document liability रहेगा। Buyer अपने books of accounts में इसे bills payable कहा करेगा और seller इसे अपने books of accounts में BR means bills receivable कहा करेगा। आगे 19 पॉइंट्स आपको बॉक्स में दिए हैं, दैट ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज फॉर योर रेफरेंस ओनली। ड्रॉइंग ऑफ द बिल, आगे 3 टर्म्स दी हैं। ड्रॉइंग ऑफ बिल मींस हु राइट्स द बिल, जिसने बिल ड्रॉ किया, एंड ड्रॉअर ऑलवेज राइट्स द बिल, ही सेंड इट टू द ड्रॉइंग एंड ही टेल्स हिम आप सारा इसका कंटेंट पढ़िए, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो इसके ऊपर साइन करके एक्सेप्टेड वर्ड लिख के हमें भेज दीजिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा। पेमेंट ऑफ बिल मेच्योरिटी पे होगी। ड्रॉई इज सपोज टू मेक द पेमेंट टू द ड्रॉअर और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, जिसको वो ऑर्डर करेगा उसको ड्रॉई हमारा पेमेंट कर देगा। नाउ वी आर गोइंग टू रेफर आवर प्रैक्टिकल पॉइंट्स, ठीक। सो पहला केस, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट हुआ करेगा ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एंट्री हुआ करेगी ड्रॉअर के बुक्स में या सेलर के बुक्स में सेल की और परचेसर के बुक में परचेस की। इट मींस कि बीआर और बीपी बोथ कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हैड यू सेलिंग
or you as a seller selling the goods on cash basis, then there will be no case of bills of exchange. Bills of exchange comes into existence only if the transaction is on credit basis. So we are going to pass the entry when this is for in the books of drawer. Journal entries hai pure chapter mein bhai. In the books of drawer. Here in the books of drawee. In the books of drawee. तो ड्रॉई के लिए वो चीज क्या है भाई? बीपी है. मतलब ड्रॉई हमारा कौन है? बायर है. और ड्रॉर हमारा कौन है? सेलर है. सेलर के लिए वो डॉक्यूमेंट बीआर है और बायर के लिए वो डॉक्यूमेंट क्या है? बीपी है. राइट. चलिए जी, सबसे पहले ही विल सेल द गुड्स एंड ही विल परचेज द गुड्स. ये एंट्री क्या करेगा? मैं ड्रॉर का नाम पी रख रही हूँ और ड्रॉई का नाम क्यू रख रही हूँ. मीन्स पी सोल्ड गुड्स टू क्यू. एंट्री क्या होगी? जर्नल का पूरा फॉर्मेट आप फॉलो करोगे. नरेशन भी लिखोगे, डेट का कॉलम भी लिखोगे. वो बोलेगा ऑन 1st January गुड्स आर सोल्ड बाय पी टू क्यू. सो डेट के कॉलम में यू विल बी राइटिंग 1st January. फिर वो लिखेगा 3 months बिल हैव बीन ड्रॉन. आप 3 महीने कैलकुलेट करोगे, सुबह आपको सिखाए हैं. एंड 3 days ऑफ ग्रेस यू विल बी एडिंग इन इट. सो 4th April विल बी योर मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल. राइट. ये सुबह हमने सारा डिस्कस किया है. सिमिलरली इन क्यू वी विल बी फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. Done. So we are going to start with sale, with purchase. P is selling goods to Q. Q account debited. Account debited to sales account. Being goods sold on credit. Yeah, being goods sold only will be the narration. Our entry ki narration likhoge. You will be drawing the double line. जैसे journal का format बनाया करते थे. ये अपनी books में क्या entry करेगा? अगर इसने पी की बुक्स में कभी पी का नाम नहीं आएगा, क्यू की बुक्स में कभी क्यू का अपना नाम नहीं आएगा, दूसरी पार्टी का नाम आएगा. इसने सामान परचेज किया है, इसके लिए परचेसेस एक्सपेंसेस है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली वी आर पासिंग द एंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ट्रेडिंग मीन्स ही इज सेलिंग द गुड्स, ही इज परचेसिंग द गुड्स. आपसे उसने क्वेश्चन में यही पूछना है, पास द जर्नल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स लाइक इन ड्रॉ एंड ड्रॉइंग. कई बार वो पी की बुक्स में भी एंट्रीज पूछता है. दैट वी विल प्रोसीड एंड वी विल सी इन आवर बुक कैसे उसने टॉपिक्स बनाए हैं. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू पी, क्योंकि पी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है. इसने पी से सामान खरीदा है. बीइंग गुड्स परचेज. फिर ये कहता है कि मैं इंस्टेंटली पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे को थोड़े महीने और दिनों का टाइम दीजिए, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा. तो ड्रॉअर कहता है उसके लिए मैं एक बिल लिखूंगा. तो उसकी वर्डिंग पढ़ ले. क्वेश्चन में यही लिखेगा वो, पी ड्रॉस अ बिल एंड क्यू एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न्ड इट. सो इसने जब बिल ड्रॉ किया, ये एंट्री करेगा और वो एक्सेप्ट करके इसे भेजेगा. तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल. डेट कई बार सेम रहेगी, सेल वाली ही डेट, और कई बार हो सकता है डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल चेंज हो. सो दैट यू हैव टू सी. सो डेट का कॉलम यू विल बी रनिंग जो भी डेट वो देता है. अगर वो खुद कुछ नहीं कहता, सो वट एवर विल बी द डेट ऑफ सेल, सेम विल बी द डेट फॉर बिल्स ड्रॉइंग ऑफ रिसीवेबल. रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज अकाउंट. सेम अमाउंट, जो चीज इसके लिए बी आर है वो क्यू के लिए बीपी है. वो एंट्री करेगा पी अकाउंट डेबिटेड. पी का मतलब क्या है? पी इज रिसीवर हियर. उसने बिल एक्सेप्ट किया और पी को भेज दिया. यहाँ पे क्यू कौन है? क्यू इज गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर आ रहा है, क्रेडिट द गिवर. और यहाँ पे क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. बीपी एक्सेप्ट करके वो किसे दे रहा है? पी को वापस भेज रहा है. सो एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट. आई एम अज्यूमिंग दैट इन द फर्स्ट केस ड्रॉअर दैट इज पी हैज नॉट ट्रांसफर्ड द बिल टू एनीवन. ड्रॉअर ने बिल अपने पास ही रखा, 3 महीने बीते, मैच्योरिटी डेट आई, इसने पेमेंट करी और इसने पेमेंट रिसीव करी. क्वेश्चन में वो लिखेगा बी आर गॉट मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट. मीन्स बी आर की या बिल की, बिल गॉट मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट पे क्यू ने पेमेंट कर दी और पी ने पेमेंट रिसीव करी. ईदर यू कैन पास द एंट्री विद कैश और वो इसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा. कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर. बिल्स रिसीवेबल के बदले में आपको पैसे मिलेंगे. तो जो चीज इसके लिए रिसीवेबल थी उसके लिए क्या थी? पेबल. इसने लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और टू बैंक.
So indirectly or directly, I discuss with you the first case he has written in your book, that is when the bill is being held or kept withdrawn till maturity. Means drawer ने वो bill किसी third party को transfer नहीं किया, drawer ने वो bill अपने पास ही रखा. It means कि ये वो case है जिसमें drawer ही pay है. कल हमने discuss किया था ना, can the drawer and pay be the same? Yes, drawer and pay can be the same person sometimes. So hereby we are discussing that case only. I am repeating the entry. Every time your question, he will start so and so person sold the goods to so and so person. Like hereby P sold goods to Q. So P seller banega, means drawer banega. Aapne ye aise hi likhna hai. Journal entries in the books of drawer and bracket mein you will be writing the name of drawer. And hereby you will be writing in the books of drawee. And you will be writing the name of drawee here, who is Q here. So he is passing the entry for sale. He is passing the entry for purchase. Now he is drawing the bill. Iski narration hogi being bill drawn. Iski narration hogi being bill accepted. Being payment received on maturity. Being payment made on maturity. Ye payment karega, ye payment receive karega. So with the help of this, we are going to start with our second illustration. मैं इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगी भाई, आई विल बी रेफरिंग द फॉलोअप. एवरी टाइम आई विल बी डूइंग द फॉलोअप बिकॉज इलस्ट्रेशंस आर सॉल्वड इन द बुक. ठीक है, सो फॉलोअप टू देखिए सभी लोग. द होल चैप्टर इज ऑफ जर्नल एंट्रीज. एट 2 o'clock आई विल पोस्ट द टेस्ट इन द ग्रुप एंड यू आर सपोज टू सेंड मी बैक एट 3 o'clock. राइट, टूडे देयर इज अ टेस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन. फॉलोअप टू पढ़िए. पहले डिसाइड करिए हु इज ड्रॉअर एंड हु इज ड्रॉई. लेट मी रीड द फर्स्ट लाइन. ऑन 1st January 2019 धर्मेश सोल्ड गुड्स टू अल्पेश. इट मीन्स कि धर्मेश इज गोइंग टू बी द सेलर एंड अल्पेश इज गोइंग टू बी द बायर. तो सेलर कौन बनेगा? ड्रॉअर बनेगा. और अल्पेश क्या बनेगा? ड्रॉई. चलिए जी, आपने भी अपने रजिस्टर को दो हिस्सों में बांटना है. Simultaneously, vertically, you will be drawing the line on your registers or on your sheet, and simultaneously, you will be passing the entries. That will be easy for you, right? So, Dharmesh and Alpesh in the books of Dharmesh. In the books of Alpesh. So on 1st January इसने सामान बेचा और इसने सामान खरीदा. इसकी बुक्स में सेल की एंट्री होगी, इसकी बुक्स में परचेज की एंट्री होगी. लेट्स गो अहेड विद इट. अब कॉलम्स के नाम लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. सिमिलरली हियर डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. सो लेट्स बिगिन विद, ये क्या एंट्री करेगा? अल्पेश अकाउंट. पहले डेट लिखो, 1st January 2019. He will be passing the entry Alpesh account debited to sales. देखो कितने का सामान बेचा है. डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखोगे आप. He sold the goods of 2000. Being goods sold, narration लिखो, entry को complete करो. Being goods sold, इसने बेची है सामान, उसने खरीदा है. Being goods sold. Draw the double line as we were doing in our journal. Same date, 1st January. He will be passing the entry for purchases. He will be writing purchases account debited to Dharmesh. Dharmesh will be a creditor for him. इसके लिए अल्पेश डेटर है. तो बीइंग अ डेटर, इसने डेटर को डेबिट किया. बीइंग अ क्रेडिटर, ये अल्पेश धर्मेश को अल्पेश क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. बिकॉज क्रेडिटर्स आर ऑलवेज माय लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड व्हेन दीज आर बीइंग क्रेडिटेड टू धर्मेश. अकाउंट डेबिटेड टू धर्मेश 2000. सो फर्स्ट एंट्री के बारे में किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट टू एनीवन?
बीइंग गुड्स परचेज, ऑपोजिट चलना सब कुछ। अगर ये अल्पेश इसके लिए डेटर है तो धर्मेश इसके लिए क्या है, क्रेडिटर है। अगर सेल इसकी इनकम है तो परचेसेस इसका क्या है, एक्सपेंस है। अगर वो नरेशन लिखता है बीइंग गुड्स सोल्ड तो ये नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग गुड्स परचेज, राइट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलो जी, फर्स्ट जनवरी के बाद हुआ क्या, एंड ड्यू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। इट मींस कि ऑन द सेम डे इसने बिल ड्रॉ किया और 3 महीने अब तो याद हो ही गया है, फर्स्ट जनवरी से लेके फर्स्ट फरवरी 1 month, देन फर्स्ट फरवरी टू फर्स्ट मार्च 2 months, देन फर्स्ट मार्च टू फर्स्ट अप्रैल 3 months, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, 4th April विल बी द मैच्योरिटी डेट। इट मींस कि थर्ड एंट्री आपने ऑटोमेटिकली 4th April को करनी है, लेकिन सेकेंड एंट्री ड्रॉइंग ऑफ द बिल इज सेम, जिस दिन सामान बिका है उसी दिन बिल ड्रॉ किया है, 1st January। ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, उसने एक्सेप्ट करके इसे भेज दिया, एंड हु सेंड इट टू अल्पेश, अल्पेश इज द गिवर, अल्पेश अकाउंट दैट इज ऑफ 2000 बीइंग बिल ड्रॉन। जरा देखना इसकी सेकंड की नरेशन, ये बिल एक्सेप्टेड लिखता है कि ड्रॉन लिखता है, बीइंग बिल ड्रॉन, ये ड्रॉन लिखेगा वो एक्सेप्टेड वर्ड लिखेगा, मैंने देख लिया एग्जांपल में जो उसने लिखा है, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, इसने ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करके इसे वापस भेज दिया ऑन द सेम डे, और यू कैन पुट द कॉमास एज वेल। ये एंट्री करेगा धर्मेश अकाउंट डेबिटेड टू बीपी, धर्मेश इज द रिसीवर, ये बिल एक्सेप्ट करके धर्मेश को दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, टू बिल्स पेबल दैट इज 2000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब मैच्योरिटी डेट आई, लिखा होगा उसने कि मैच्योरिटी पे पेमेंट हो गई, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय अल्पेश, उसने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करके इसे वापस भेज दिया, हमने उसकी एंट्री भी कर दी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। 3 महीने बीते और मैच्योरिटी डेट आई, तब क्या हुआ, धर्मेश रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट, धर्मेश ने अपने पास ही बिल रखा क्योंकि फर्स्ट केस हम कर रहे हैं, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली मेट और टाइम पे बिल की पेमेंट हो गई, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया था, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद मैच्योरिटी डेट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन आर ओन, हमने खुद मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी होती है, 4th April 2019 ही विल रिसीव द पेमेंट, क्योंकि छोटी सी अमाउंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट इज देयर, यू कैन पास द एंट्री विद कैश ऑल्सो, आप कैश के साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि 2000 का जरूरी नहीं है कि वो चेक देगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, किसके बदले में पेमेंट मिली, बीआर के बदले में, टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, मैच्योर हो गया और उसकी जगह हमें पेमेंट मिल गई, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, देखो जरा एग्जांपल में नरेशन यही लिखी है, यस, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल, मैच्योरिटी पे हमें बिल की क्या मिल गई है, पेमेंट, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी और ऑन ड्यू डेट। अगर इसने पेमेंट रिसीव करी है 4th April को, तो उसने पेमेंट करी होगी, ही विल राइट द डेट 4th April, ही विल मेक द पेमेंट, किसके बदले में, अपनी लाइबिलिटी के बदले में, वो लिखेगा बिल्स पेबल की पेमेंट करी है मैंने, बिल्स पेमेंट पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उसके लिए कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए कैश क्या है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बिकॉज ही इज मेकिंग द पेमेंट एंड ही इज रिसीविंग द पेमेंट, राइट, सारा कुछ ऑपोजिट है टू कैश अकाउंट, 2000 बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे रेस योर हैंड, यू कैन टेक्स्ट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी और ड्यू डेट। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 entries वी जस्ट कवर्ड आवर फर्स्ट केस व्हेन द ड्रॉअर इज कीपिंग द बिल विद हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी डेट और टिल ड्यू डेट। ड्रॉअर ने वो बिल किसी को ट्रांसफर नहीं किया, ड्रॉअर ने वो बिल अपने पास ही रखा, तो आपने दोनों के बुक्स में कैसे एंट्रीज करनी है विद लॉजिक आई टोल्ड यू। अब अगला केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, विच वी कॉल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, लाइक आई विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल ओनली। बिल का टाइम पीरियड था 3 महीने,
धर्मेश को एक महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ी, इट मींस कि 2 months अर्लियर देन द मेच्योरिटी डेट, लाइक ही वॉज इन द नीड ऑफ मनी ऑन 1st February. इसने अल्पेश को बोला कि मेरे को पैसे की पहले जरूरत है, क्या तू मेरे को पहले पैसे दे सकता है? वो बोलता नहीं, मैंने तो आपको रिटर्न प्रॉमिस करके दिया हुआ है कि 3 महीने से पहले मेरे पास अरेंजमेंट नहीं होगा, सो आई कांट पे यू द मनी अर्लियर देन द मेच्योरिटी डेट. अब उसकी पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए धर्मेश के पास एक ऑप्शन है. वो अपने बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है आप मेरा BR रख लो और बदले में मेरे को पेमेंट दे दो. तो हमारे जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो ऐसी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं. वो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेते हैं और टाइम से पहले वो धर्मेश को पेमेंट कर देते हैं. लेकिन अगर 2000 का बिल है तो बैंक कहता है 100 रुपया मैं कम दूंगा क्योंकि मेरे को खुद पेमेंट 2 महीने के बाद मिलनी है, 100 रुपीज काट के मैं आपको 1900 दूंगा. एंड हैड द बिल ऑफ ₹5 lakh, बोलता है 5000 10% काट के बाकी मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा 1% काट के. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक्स कि वो आपसे कितना पैसा काटते हैं. सो वॉट एवर अमाउंट दे आर पेइंग टू यू दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट. बैंक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, उसमें से आप विड्रॉ कर लोगे और बैंक आपसे कोई चार्जेस रिसीव करता है उसे बोलेंगे डिस्काउंट चार्जेस. तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की क्या एंट्री होगी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू कीप योर माइंड, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज ओनली बींग डन बाय ड्रॉअर. ड्रॉई को इससे कोई लेना देना नहीं है. अब बिल किसके पास चला गया भाई, बैंक के पास. मेच्योरिटी डेट जब आएगी, जैसे इस केस में 4th April जब आएगी, तो हमारा अल्पेश धर्मेश को पेमेंट नहीं करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा. इट मींस इन दिस केस बैंक इज गोइंग टू बी द पे, बिकॉज पे की डेफिनेशन क्या कहती है, द पर्सन. तो बैंक कैन बी द आर्टिफिशियल पर्सन. बैंक इज गोइंग टू रिसीव द फाइनल पेमेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. सो बैंक इज गोइंग टू बी द पे. एंड हु मेड हिम द पे, पाई इसको किसने बनाया, हमारे ड्रॉअर ने, क्योंकि ड्रॉअर को टाइम से पहले पैसे की जरूरत थी. उसने बैंक से उसकी सर्विसेज ली, बैंक ने उस बिल के बदले में थोड़ी सी अमाउंट अपने सर्विस चार्जेस काट के बाकी पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो जैसे ही मेच्योरिटी डेट आएगी, बैंक जाके ड्रॉई से पैसे लेगा. एंड ड्रॉई इज सपोज टू गिव द मनी बिकॉज ही द बैंक अथॉरिटीज और बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, दे विल प्रेजेंट द बिल इन फ्रंट ऑफ अल्पेश कि अब बिल हमारे पास है. एंड दे आर बिकमिंग द होल्डर ऑफ द बिल बिकॉज दे हैव द राइट टू रिसीव द मनी एंड दे हैव द बिल ऑल्सो. उसकी जो फिजिकल कॉपी थी वो ड्रॉअर ने बैंक को ट्रांसफर कर दी है, तो एक तरह से गिरवी रखी है ना. ठीक है, कि पेमेंट जब मिलेगी तो आप रिसीव कर लेना, बदले में आप मेरे को पहले पेमेंट दे दो. इट्स सॉर्ट ऑफ प्लेज ओनली, राइट. मैंने आपको बताना था कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री सिर्फ ड्रॉअर के बुक्स में होनी है, ड्रॉई को इससे कोई लेना देना नहीं. ड्रॉई इज नेवर रिलेटेड विद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. जैसे अभी हम लोगों ने किया कि अगर ड्रॉअर सेल की एंट्री करता है तो ड्रॉई परचेज की करेगा, अगर ड्रॉअर बिल ड्रॉ की एंट्री करता है तो ड्रॉई बिल एक्सेप्ट की करेगा, अगर ड्रॉअर पेमेंट रिसीव करता है तो ड्रॉई पेमेंट करने की करेगा. लेकिन जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, we will just be passing the entry in the books of drawer and no entry is to be passed in the books of drawing. Why? Because jo discounting ka process hai aur discounting ki jo formality thi aur discounting ki jo botheration hai wo drawer ne ki hai, drawer ko isse koi lena dena nahi. Drawer kehta hai mere se payment chahe tu receive kar le, chahe bank receive kar le, maine to payment karni hai na. Theek hai, so this thing should be fed permanently into your mind that who is going to pass the entry of discounting of bill. One drawer, another bank. मतलब पाई क्या एंट्री करेगा, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. We will be passing the entry in the books of drawer. Drawer. Discounting of bill. Drawer क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड. उसके अकाउंट में क्योंकि पैसे जाने हैं तो उसका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा. डिस्काउंट वो कुछ काटेगा इससे पैसे, तो डिस्काउंट इसके लिए एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंस है. ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड. और बदले में इसने बैंक को क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
डेबिट व्हाट कम्स इन उसके बैंक के अकाउंट में पैसे जाने हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हुए डिस्काउंट इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड बिकॉज़ ही इज हैंडिंग ओवर हिज बीआर टू द बैंक तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मेरी इसी एग्जांपल में 2000 का बीआर था, वो कहता है 100 रुपया मैं काटूंगा मीन्स 5%, ठीक है, और 100 रुपीज विल बी माई डिस्काउंट चार्जेस। ये मैंने ड्रॉअर की बुक्स में किया। अब बैंक क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? बैंक में तो एंट्री करेगा बैंक, मतलब अब इस केस में मेरे पास दो पार्टीज नहीं है, मेरे पास इस क्वेश्चन में तीन पार्टीज होगी, वन इज ड्रॉअर, अनदर इज ड्रॉई, एंड द थर्ड वन इज पे। सो पे इज गोइंग टू बी द बैंक हियर। बैंक क्या एंट्री पास करेगा? लेट्स सी डिस्काउंटिंग की, है ना, इन द बुक्स ऑफ बैंक। जो बिल आपने डिस्काउंट करवाया है आप उसे क्रेडिट वर्ड गोज आउट लिख रहे हो, बैंक उसे डेबिट वर्ड कम्स इन लिखेगा एंड बैंक विल बी कॉलिंग इट बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड। टू अपने कस्टमर का नाम लिखेगा, यहां पे हमारे कस्टमर का नाम धर्मेश था, टू क्लाइंट का नाम लिख देगा, अपने क्लाइंट का नाम, क्रेडिट द गिवर, उसने इसको दिया। टू डिस्काउंट बैंक के लिए इनकम है, ड्रॉअर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। सो बीइंग एन एक्सपेंस उसने इसे डेबिट किया था, बैंक इसे क्रेडिट करेगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सो बिल डिस्काउंटेड वाज ऑफ 2000, बैंक ने डिस्काउंट लिया 100 रुपए और अपने क्लाइंट के अकाउंट में उसने कितने पैसे डाल दिए? 1900। सो दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ पे, ठीक है। और यहाँ पे तीन पार्टीज क्या हो रही है इन्वॉल्व। एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज टेलिंग अस द डिफरेंट वेज हाउ द डिस्काउंट इज बीइंग कैलकुलेटेड। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा के डिस्काउंट को कैलकुलेट किया, राइट, अब वो हमें डिफरेंट वेज बताएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किप किया, हो सकता है कि वो डिस्काउंट के साथ 5% लिख के साथ में पर एनम लिखे, मैंने अज्यूम किया पर एनम के बिना, पर एनम वर्ड इज नॉट बीइंग रिटन ओवर हियर। लेकिन अगर वो पर एनम लिखता है तो आपने इसे मंथ वाइज रिड्यूस भी करना है, जितने महीने पहले बैंक आपको पेमेंट कर रहा है उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना और 12 से डिवाइड करना। सो दैट डिफरेंट फॉर्मूलाज वी विल डिस्कस टुमारो, दैट इज एनफ फॉर टुडेस क्लास। जितना आज डिस्कस हुआ है प्लीज फर्स्ट केस को रिवाइज जरूर करिएगा प्लस बेसिक टर्म्स, दैट इज वेरी मच एसेंशियल टू गेट द फर्दर थिंग्स ऑफ द चैप्टर, राइट। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो, और टुमारो अगेन वी हैव टू पीरियड्स मैक्सिमम सिलेबस वी विल ट्राई टू कवर फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट।